नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में चर्चा करने जा रहे हैं यहां पे एक बार फिर से कृषि फसलों के वायदा बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। ये भी जानेंगे कि आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। तो अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कैसे सीड से। देख रहे हैं कि आज कैसे सीड में सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है और वो तेजी आज शाम में भी देखने को मिल रही है। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड का नवंबर वायदा 6650 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6680 का ही लगा चुका है। कैसे सीड के अंडर 1.5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो कैसे सीड 6000 से 6100 के घरों में एक सीमित दायरे में काफ़ी लंबे समय से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, उस कैसे सीड के अंदर अब एक अचानक से उछाल देखने को मिला है। दरअसल कैसे सीड के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं, जो कैसे सीड की कीमतों को तेजी की ओर लेके जा रहे हैं। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2536 पर कारोबार कर रहा है, 2548 का हाई लगा चुका है, लगभग 2% की तेजी है। हम देख रहे हैं कि आज बिनौला खल की कीमतों में भी एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। एक बार कीमतें फिर से निचले स्तर की ओर से ऊपर की ओर जाती हुई नजर आ रही है। जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि बिनौला खल निचले स्तर से बिनौला खल में खरीदारी निकले जो कि आगे तक एक्सटेंड हो सकती है। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल में क्या करके चलना सही रहेगा जिससे आगे भी तेजी में रहा जा सके और अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, आइए जान लेते हैं अमित सैयद जी से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसी पर। जी नमस्कार। अमित जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार अब यहाँ से तेजी की ओर चल पड़ा है। आपने जो टारगेट दिया था कि 6600 के पोजिशनल बेसिस पे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अब हम वो देख रहे हैं कि 6600 का लेवल वो आपका पोजीशन वाला वो अचीव हो चुका है। अब आगे आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से 6700 के लेवल से भी कुछ पॉइंट की दूरी पर है, तो क्या 1-2 ट्रेडिंग सेशन में कैसे सीड 7000 का लेवल भी दिखा सकता है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से नेक्स्ट बड़ा लेवल है वो 7000 के करीब का ही है और ओवरऑल बेसिस मुझे काफी एक अच्छी संभावना दिख रही है कि ये 7000 के ऊपर के प्राइसेस दिखा सकता है। तो नेक्स्ट लेवल जो है मैं 7050 का ही देना चाहूंगा। इमीडिएट तौर पे डेली क्लोजिंग बेसिस 6400 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो 6500 या 6550 के करीब भी मिलती है प्राइसेस, तो वहां से एक बार बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा, अपसाइड में 7050 का एक व्यू लेके चला जा सकता है पोजिशनली। जी, तो यानी कि कैसे सीड की कीमतें 7000 के भी पार, जैसे कि अमित जी ने बताया, 7050 तक भी जाती हुई नजर आ सकती हैं। और कैसे सीड की जो कीमतें हैं उनके फंडामेंटल्स तेजी हैं, जिसकी वजह से कैसे सीड की कीमतों में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। ये सब अमित जी देख रहे हैं कि बिनौला खल की कीमतों में भी निचले स्तर से खरीदारी निकली है, आज 2500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पे 2500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी इस बार देखने को मिलती है तो कीमतें यहाँ से बढ़ेंगी या फिर यहाँ भी एक सीमित दायरा ही रह जाएगा? देखिए, शॉर्ट टर्म सस्टेनेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस 2630 तक के जाने की संभावना है, लेकिन 2700 का फिर भी एक बड़ा बैरियर होगा जो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी जो है प्राइजेस ब्रीच कर पाएंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 2630 तक जाने के बाद दोबारा एक बार प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि नेक्स्ट 2 या 3 सेशन के लिए तेजी करके चला जा सकता है। जी, ये सब जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसाला कॉम्प्लेक्स में आज हम देख रहे हैं कि धनिया में कुछ दिन की तेजी के बाद आज कुछ करेक्शन बनती हुई नजर आई है। 8300-8400 तक हमने ट्रेड करते हुए देखा था, फिर वहां से आज देख रहे हैं कि 8100 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में 15200 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आज भी। और आज हल्दी में अचानक से खरीदारी निकल के सामने आई है, जिस हल्दी में हम काफी महीनों से देख रहे हैं कि सुस्ती के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, आज उस हल्दी के अंदर अचानक से उछाल देखने को मिला है। अब आपको क्या लगता है, मसालों में कैसा रुझान रहेगा स्पेशली हल्दी के अंदर? जी, अगर हल्दी से ही शुरुआत करें तो आज डेफिनेटली काफी लैकलस्टर ट्रेड जिसे हम कहते हैं, उसके बाद हमने एक तेजी का रुझान आते हुए देखा है और मुझे लगता है कि कुछ समय तक ये तेजी जारी रहेगी। इमीडिएट तौर पर 7500 के ऊपर यदि प्राइसेस चलने लगती हैं तो लगभग 7900 से 8000 तक के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं। जी, यही से जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 13480 पर कारोबार कर रहा है, 5.5% का ऊपरी सर्किट लग चुका है
और ग्वार सीड का नवंबर बाद अभी देख रहे हैं कि 7030 पर कारोबार कर रहा है 4% के ऊपरी सर्किट के साथ। अमित जी, आपने जो टारगेट दिया था कि ग्वार गम 13000 का लेवल टच कर सकता है और ग्वार सीड का 7000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आज आपके दोनों ही टारगेट अचीव होते हुए नजर आ चुके हैं। अब आपको यहां से क्या लगता है, तेजी और एक्सटेंड होएगी, रैली और अच्छी जाएगी, या फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई नजर आ सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, 13000 का जो एक टारगेट एरिया थी अभी वो फिलहाल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 13100 से 150 के बीच, और मुझे लगता है ये जो तेजी है ये 14100 तक एक्सटेंड होगी, यानी करीबन 4% की और तेजी आ सकती है। लेकिन हाँ, उसके बाद मैं डेफिनेटली कॉशन एडवाइस करूंगा, यानी उससे बहुत ज्यादा ऊपर मुझे सस्टेनेबल होता हुआ नहीं दिखता है। वहीं अगर ग्वार सीड की बात करूं तो 7000 या 7050 का टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन ये जो तेजी है ये 7250 से 7300 यानी लगभग 3% और एक्सटेंड होने के बाद एक बार मुनाफा वसूली दिखा सकती है। तो फिलहाल बाय में रहना चाहिए, डिप्स का यूज कर सकते हैं बाइंग के लिए जब तक ये दो रिस्पेक्टिव टारगेट्स नहीं आते, लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके वेट करना चाहिए। जी, ये समय जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल पैक में आपको क्या लग रहा है? अब जैसे कि देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल भी कोई ज्यादा खास तेजी के साथ कारोबार नहीं करता नजर आ रहा है, लेकिन आज सोयाबीन में थोड़ी सी एक हल्की सी बाइंग जरूर निकल के आई है। अब आपको क्या लग रहा है एडिबल ऑयल पैक्स में कितनी तेजी मंदी अभी बाकी है? जी देखिए, मेरा मानना है कि रिफाइंड सोया ऑयल में एक शॉर्ट कवरिंग मूव ड्यू बनता है, क्योंकि हमने 1240 से 45 की जोन में सपोर्ट लेते हुए देखा है, और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सोयाबीन में भी एक रिकवरी देखने मिली है। तो रिफाइंड सोया ऑयल मुझे लगता है कि जो रिकवरी है वो 1285 तक एक्सटेंड हो सकती है, और एक्सट्रीम केस में एक बार 1305 तक भी जा सकती है, लेकिन हाँ उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे आने की संभावना है। वहीं सोयाबीन में जैसे आपने बताया काफी बढ़िया तेजी देखने मिली, 5100 के करीब जाकर प्राइसेस आज अच्छे खासे ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट हो गया है सोयाबीन में, और अपसाइड में लगभग 5600 तक के स्तर हमें आने वाले एक हफ्ते में देखने मिले। जी, ये सब में जी देख रहे हैं कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में भी हमने काफी शानदार बढ़त बनते हुए देखी है, एक रिकॉर्ड लेवल्स आते हुए देखे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या कॉटन अभी भी कॉटन में इतनी पावर है कि अभी एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर दिखा दे? जी, M6 कॉटन में लगातार हमने रिकॉर्ड स्तर देखे हैं, और 31700 के करीब जाने के बाद कुछ समय से पिछले 3 या 4 सेशन से एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिली है, लेकिन ओवरऑल जब तक 29800 से 30000 के लेवल के ऊपर है तब तक डिप्स जरूर आ सकती है, लेकिन जो रुझान रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा, और मेरे हिसाब से अभी भी 32500 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। जी अमित जी, आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर आज और आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देख रहे हैं कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो काफी शानदार परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। जी देखिए, मेरे ख्याल से टॉपिक्स में कैप्चर सीट को डेफिनेटली रखना चाहिए, और सेकेंडली एक बार हम रिफाइंड सोयल में शॉर्ट कवरिंग मूव क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 1285 के लक्ष्य के लिए रिफाइंड सोयल भी बाय किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अमित जी ने बताया कि शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए रिफाइंड सोया ऑयल, और टॉपिक्स में दूसरी कम्युनिटी रहेगी आपकी कैसे सीड, इन दोनों कम्युनिटीज में बाई करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।